हमारी दुनिया में कुल मिलाकर के 195 देश हैं, और इन 195 देशों में से ज़्यादातर देशों की अपनी अपनी अलग अलग धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज हैं। जैसे हमारे भारत में भी कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ वहीं के लोग ही समझ और निभा पाते हैं, और इन अद्भुत परंपराओं की वजह से ये देश पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध भी बन जाते हैं। वैसे तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब रीति रिवाज हैं, और अगर उन सब के बारे में बात करने लग जाएंगे तब तो पूरा दिन ही बीत जाएगा। इसलिए मैं बस एक प्रथा के बारे में बात करूँगा जो कि अपने आप में काफ़ी अलग है और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश में मनाई जाती है। ये प्रथा कुछ ऐसी है कि आपको ये बहुत अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन इसे मानने वालों के लिए अब ये उनकी संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी है। भूटान के थिम्फू शहर के गांव में ये प्रथा मनाई जाती है, और उस गांव का नाम पुनाखा है। इस गांव में जगह जगह पर मानव लिंग बने हुए हैं। यहाँ के लगभग हर घर की दीवारों पर मानव लिंग की कलाकृति भी बनी हुई है। लिंग की ये कलाकृति आपको सड़कों के किनारे, पार्क में, लोगों के घर के बाहर लटकते हुए और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। ये सारी कलाकृतियाँ सीधे खड़े लिंग की होती हैं। इन कलाकृतियों में लिंग को अलग अलग रंग जैसे कि लाल, गुलाबी और भूरे रंग का और अलग अलग आकार का बनाया जाता है। कई सारी कलाकृतियों में लिंग के चारों तरफ एक ड्रैगन को लिपटे हुए और उसके मुँह से आग उगलते हुए भी दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ इस गांव में कई ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ लकड़ी और अन्य धातु से बने लिंग बेचे भी जाते हैं। लकड़ी से बने लिंगों को घर के चारों कोनों में भी लगाया जाता है। ये प्रथा सैलानियों को बहुत लुभाती है और इस गांव को सैलानियों के आकर्षण का केंद्र भी बनाती है। कई सैलानी यहाँ से लिंग खरीद कर अपने साथ भी ले जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस लिंग का इस गाँव के लोगों की संस्कृति में क्या महत्व है। इस गांव के लोगों का मानना है कि सीधा खड़ा लिंग बुरी आत्माओं को, बुरी शक्तियों को और बुरे लोगों को दूर रखता है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि लिंग अच्छे भाग्य का रास्ता भी खोलता है। यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह हम अपने घर में लाफिंग बुद्धा रखते हैं, वैसे ही इस गांव के लोग अपने घरों की दीवारों पर और सड़कों में लिंग बनवाते हैं। ये लिंग इनकी आस्था का प्रतीक है और साथ ही साथ बाहरी दुनिया के लिए ये आकर्षण का एक केंद्र भी बन चुका है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस प्रथा की शुरुआत कब से हुई। बात 15वीं शताब्दी की है। उस समय एक बहुत प्रसिद्ध तिब्बती संत, या फिर उन्हें लामा कह सकते हैं, हुआ करते थे। उनके पास एक अनोखा तरीका था। वो धनुष से तीर आसमान की तरफ चलाते थे और वो तीर जहाँ गिरता था उसी जगह पर वो संत अपना नया मठ बनवाते थे, जहाँ से वो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें। संयोगवश कहें या भाग्यवश कहें, वो तीर पुनाखा गाँव के पास चिमी लाखांग में गिरा, जहाँ पर आज उनका मठ बना हुआ है। उस तीर को खोजते समय उन संत की मुलाकात एक स्थानीय कन्या के साथ हुई। उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर लामा ने उसे अपने संतान का आशीर्वाद दिया। लामा महिलाओं और शराब के शौकीन थे और उन्होंने बुद्ध धर्म को सिखाने के निंदनात्मक और अपरंपरागत तरीकों को अपनाया, इसलिए उन्हें द डिवाइन मैडमैन भी कहा जाता है। इन सब के पीछे लामा का जो मकसद था वो ये था कि लामा उस समय के भूटान के संत, जिनमें कि विवेक की कमी थी, उनको सबक सिखाना चाहते थे। लामा ने ही लोगों को घरों के चारों तरफ में लकड़ी के बने हुए लिंग और दरवाजों पर लिंग की चित्र बनाने को कहा था, जिससे बुरी आत्माओं से बचे रहेंगे। इस वजह से लामा को सेंट ऑफ फर्टिलिटी या फिर उर्वरता संत भी कहा जाता है।